अभी तक हमने जो देखा था वो ब्रिटिश रूल इन इंडिया से ही शुरुआत की थी, किस तरह से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ यहाँ पे, फिर किस तरह से सोशो कल्चरल पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, ये चारों के चारों हमने इनिशियली पहले के 3-4 लेक्चर्स जो लिए उसके अंदर ख़त्म किए थे। सो किस तरह से कंसोलिडेशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सोशो कल्चरल पॉलिसीज के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, उसके बाद वाले क्लासेस के अंदर हमने प्रेस का डेवलपमेंट भी देखने की कोशिश की थी, 21 बंगाल गैजेट और कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर, लॉर्ड लेटन, और इसके साथ साथ वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट भी देखने की कोशिश की। उसके बाद वाले क्लासेस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हु वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेटर ऑन वी ऑल्सो ट्राई टू सॉ दैट हाउ डिड द एग्रीकल्चर, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर आ रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले हमने ब्रिटिश रेन रेवेन्यू पॉलिसीज को देखने की कोशिश की थी और कैसे हमारे एग्रीकल्चर को ख़त्म किया गया। सो फार्मर ऐसा हुआ करता था, अंग्रेज आया उसके बाद हमारा किसान ऐसा हो गया। उसके साथ साथ हमने 2-3-4 सिस्टम्स देखे थे जो सेटलमेंट्स बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, रैयतवारी, महालवारी, जमींदारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, जो अलग अलग नाम थे। What were the reasons responsible behind, factors responsible behind this land revenue settlement? वो भी देखे थे कि slow conquest था, इसके साथ साथ historical experiences ऐसे थे अंग्रेजों के, इसके साथ साथ और भी 2-3 मुद्दे थे, local situations matter कर रही थी, geography matter कर रही थी, इसके कारण इन्होंने अलग अलग policies अलग अलग time के ऊपर develop कराई। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि या किस तरह से implications, ये किस तरह से affect कर रहा है इंडिया की society को, इंडिया के एग्रीकल्चर को पर्टिकुलरली। सो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ट्रांसफॉर्म, इसके लिए कहते हैं कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा पूंजीवाद की तरफ हमारा खेती चला गया, खेती को बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा था। साथों साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे नॉन एग्रेरियन क्लास यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर पैसा डाल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, प्लांटर्स थे, लैंडेड हायरार्की, जमींदार शहर में रहने लग गया था और मैंने बताया कि ये जमींदार को थोड़ी फुर्सत नहीं मिलती थी और कोई कामों से। सेकेंडली दी लैंड रेवेन्यू जिस तरह से कलेक्ट किया जा रहा था, वो कलेक्शन की जो मेथड थी वो भी बहुत हार्श थी। एट टाइम्स जब आपके यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी तो नेचुरल कैलामिटी के दौरान भी अंग्रेज आपको लिबर्टी नहीं देते थे, रिमिशन नहीं देते थे, रिसेशन नहीं, कंसेशन नहीं देते थे, ठीक है, तो मारा करते थे, पीटा करते थे, यही पूरी की पूरी स्टोरी है। फाइनली हमारा किसान डेथ ट्रैप के अंदर चला जाता है और जो भी जो बच जाता है वो लैंडलेस लेबर्स के तौर के ऊपर उभर के आ जाएगा। लेटर ऑन हमारा इंडियन एग्रीकल्चर भी इसके बाद स्टेग्नेट हो गया और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। इसके बाद वाले क्लास के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर देखा हमने वो है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति किस तरह से यहाँ पे डेवलप होती है। डेवलपमेंट के पीछे हमने देखा था कि बैकग्राउंड क्या था, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन लोग ने सोचा कि दैट द इंग्लिश, जो एनलाइटन इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सूट वूट पहनते थे उस टाइम के अंदर, दैट द ब्रिटिश आर हियर फॉर अ गुड। कैप्टन रसल बोलता है कि पुलिस है बहुत ही बड़ा। लेटर ऑन दिस पीपल रियलाइज कि ये धोखा दे रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का पूरा कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। यहां से ही हमने एक मुद्दा जानने की कोशिश की थी, वो थी इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी, किस तरह से उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थतंत्र के ऊपर किस तरह से असर किया। सबसे पहली असर थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ साथ हमारी पीजेंट्री और गरीब होती रही, किस तरह से गरीब हुई वो भी देखा, नए नए जमींदार उभर के आ रहे थे, पुराने जमींदार की मौत हो रही थी, स्टेग्नेशन एंड डिटेरेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारी जो खेती थी वो रुक जाती है, कमर्शलाइजेशन का एस्पेक्ट आ जाता है, थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री भी डेवलप होगी बट दिस मॉडर्न इंडस्ट्री विल बी वेरी मच लॉपसाइडेड, वन साइडेड ग्रोथ होगा। साथों साथ जब मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई तो उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर उभर के आया, तो इंडियन बुर्जुआ, इंडिया का जो नया मिडिल क्लास था, जो बिजनेस क्लास के साथ जो रिलेटेड था, ये इंडस्ट्रीज के साथ और ब्रिटिश इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड था, उनका ग्रोथ होता है। फाइनली यहाँ पे एक आपके एक सबसे मेन जो मुद्दा आ रहा था वो था फेमाइन ऑन पॉवर्टी का, और यहाँ से ही एक चीज हमने जानने की कोशिश की जो थियरी थी जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ब्रेन, और वहां से ही हमने एक मुद्दा जानने की कोशिश की वो थी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डोमेस्टिक मार्केट को किस तरह से खत्म किया गया, इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से खत्म किया गया, इंडिया का जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास था उसको खत्म कर दिया गया, जो ये आर्टिजन्स की जो प्रोडक्ट थी वो खरीद ना पाए, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट को लेकर जब मुद्दा आया तो इन्होंने यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत, एक तरफे मुक्त व्यापार की नीति के तहत इंडिया के गुड्स को इनकम्पिटिटिव कर दिया। इसी के चक्कर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813,
इंडिया के अंदर रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ 1820s, 1830s, 1840s, 1850s के बाद, उसने भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही वेग दिया है, उसको बहुत ही फोर्स देने की कोशिश की है। एज अ रिजल्ट हमने रिजल्ट के दौरान देखा कि हमारे आर्टिजन सबके सब बेकार हो जाते हैं, और बेकार होने के चक्कर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस डी अर्बनाइजेशन का देखने को मिलेगा। ये सब रहर शहर से चले जाएंगे गांव के अंदर, तो इसको प्रोसेस को कहते हैं रूरलाइजेशन। रूरलाइजेशन के बाद ये लोग कहां जाएंगे, तो खेती करेंगे, तो ये लोग किसान, ये पीसेंट बन जाते हैं, तो इसी से ही पीसेंट का या पीसेंटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। फाइनली इनकी खुद की भी जमीन नहीं थी, ये लोग भी अल्टीमेटली लैंडलेस लेबर्स बन जाते हैं। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान था, जो एक टाइम के ऊपर खुद की जमीन ओन करता था, वो भी लैंडलेस लेबर बन गया। इसी के साथ साथ जब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो भी लैंडलेस लेबर बन जाते हैं। ओके, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? क्लास, हमारा जो रूलिंग क्लास था उसका खत्म होना, आपका इंटरनेशनल जो मार्केट था उसका खत्म होना, साथों साथ हमने ये भी देखा था कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे खाली अंग्रेज अकेले जिम्मेदार नहीं थे। देयर वॉज ऑल्सो इंटरनल वीकनेसेस विद इन द इंडियन स्टेट्स विच वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो आंतरिकी जो व्यवस्था थी उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, और इसके कारण ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और पुश मिल गया। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली जनरली दो हाथ से बनती है। तो यहाँ पे आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यही सिखाने की कोशिश करता है। स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके पास पैसे नहीं थे पर खेती करनी थी, ये कहीं और खर्च कर रहा था और इसको कुछ करना ही नहीं था, तो फाइनली पैसा नहीं इन्वेस्ट किया गया, स्टैग्नेशन हो गया। इम्पॉवरिशमेंट को लेके भी यही पे यही पूरी की पूरी स्टोरी रहेगी कि किसान इसके चक्कर में फंस जाता है, जो है आपका मनी लैंडर, जो महाजन था, जो श्रॉफ की पूरा का पूरा बिजनेस करता था, फाइनली ये भी और गरीब होता रहेगा। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म देख लिया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे लोगों को कंपेल किया जाता था कि आप इंडिगो, टोबेको, ग्राउंड नट्स, ऐसे ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स के तरफ ज्यादा फोकस करो रेदर देन फूड क्रॉप्स, रेदर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। 1853 में सबसे पहले काउसी जी नाना बॉय करके जो जेंटलमैन थे, इन्होंने कॉटन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट किया था यहाँ पे। बट रियलिटी ये थी कि इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज हुई वो भी लॉपसाइडेड थी। इसके साथ साथ एक और इफेक्ट थी राइज ऑफ इंडियन बुर्जुआ, जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है मनी लेंडर्स, बिजनेसमैन और बैंकर्स, ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली इसकी स्कीम के अंदर फिट हो जाते थे। फाइनली जब यहाँ पे खेती के अंदर इतना सारा इफेक्ट हो गया, और जब आपकी बारिश फेल होती थी, तो यहाँ पे फरमाइन आता था, और फरमाइन के कारण ही पॉवर्टी, करीबन 3 करोड़ लोगों का मारा जाना होता है 1850 से लेके 1900 के आसपास। सो विदिन अ स्पैन ऑफ 50 इयर्स यू विल नोटिस दैट ऑलमोस्ट 2.8 to 3 crore पीपल डाइड विद दिस। इससे ही एक थियोरी उभर के आ रही थी जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन, और वहां से ही इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक ड्रेन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, एंड विच वर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रेन, हु नोटिस द इनिशियल इकोनॉमिक ड्रेन, दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, डी वाचा जैसे जेंटलमैन थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ड्रेन के कंपोनेंट्स इनविजिबल और विजिबल। विजिबल के अंदर आपको डायरेक्ट प्लंडर और प्रॉफिट दिखता था, इनविजिबल के अंदर आपको सैलरी, स्टोर परचेस, आपके इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स, और इन्हीं में से 2-3 हेड्स को होम चार्जेस भी बोला जाता था, या ग्रूव्यव आप जिसे हिंदी में कहते हो। फाइनली यही पैसा घूम फिर के इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करा दिया जाता है। नेशनलिस्ट क्रिटिक के अंदर हमने ये भी जाना था कि हु आर द अदर लीडर्स, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र रे, जीवी जोशी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भोलानाथ चंद्र जैसे जेंटलमैन थे, इनके पीछे हमने कौन से मेन विचारक थे वो भी हमने जानने की कोशिश की थी। वो आरसी दत्त थे, एमजी रानाडे एंड दादाभाई नौरोजी, जो मेन क्रिटिक हुआ करते थे। यहां से ही आपका जो पहला मुद्दा है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी, वो खत्म। उसके बाद से ही इसका ही एक थियोरिटिकल अप्रोच हम लोग देखेंगे जिसे कहते हैं स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद भारत के अंदर जो आता है, किस तरह से उपनिवेशीकरण का जो सिस्टम शुरू हुआ वो ग्रेजुअल स्टेजेस के तहत होता है। जैसे हमने पॉलिटिकल कंक्वेस्ट के अंदर देखा कि वो ग्रेजुअल था, इट वॉज अ वेरी स्लो कंक्वेस्ट, और वो स्लो कंक्वेस्ट के तहत कभी कभी लड़ाई की थी और कभी कभी इन्होंने ट्रीटीज की थी। उसी दौरान आपको ये चीज जानने को मिलेगी कि यहाँ पे जो उपनिवेशीकरण का जो प्रोसेस शुरू होता है कॉलोनियलिज्म का, तो ये कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस 3 जनरली फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ओके, सो स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, भारत के अंदर अंग्रेज किस तरह से अपना अड्डा जमाते हैं इकोनॉमिक आस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस जानने की जो सबसे पहली जो थियरी इन्होंने प्रपोन की थी वो थे आर पारमेदल, आर पी दत्त कहते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है,
एंड ही आइडेंटिफाइज द स्टेजेस कि यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कॉलोनियलिज्म का जो फेज शुरू हुआ वो तीन फेजेस के अंदर था. ये तीन फेजेस को इन्होंने तीन अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर डिवाइड कर दिया. पहले फेज जो 1757 से लेके 1813 का फेज था उसको इन्होंने मर्केंटाइल फेज बताया. हम लोग एक एक फेज को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्यों इसको मर्केंटाइल फेज बोला जाता है. सेकेंड फेज को जब यहाँ पे आगे जब 1813 से लेके 1860 का टाइम होगा तब इसे ये इंडस्ट्रियल फेज कहते हैं. एंड फाइनली 1860 से लेके जो 1940s 1950s तक हमको आजादी मिली 1947 टू बी प्रिसाइज तब फाइनेंशियल फेज कहा. अब देखिए कि इसके पहले वाले क्लासेस के अंदर हमने सोशियो कल्चरल पॉलिसी को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की. उसमें भी फेजेस हुआ करते थे. एक था एंग्लिसिस्ट अप्रोच और एक था ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच. सेम उसी के दौरान उसके भी तीन चार फेजेस थे. कैन यू नोटिस दिस थिंग, द फेजेस आर द सेम, द टाइमलाइन इज द सेम. द टाइमलाइन इन द एंग्लिसिस्ट अप्रोच वॉज फ्रॉम 1760s टू 1813 द ब्रिटिश नेवर इंटरफियर्ड इन टू द सोशल आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया. यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है कि ये पूरे के पूरे स्टेट्स के अंदर यहाँ पे जो फेज होगा जो मर्केंटल फेज क्यों कहते हैं. ओके, तो एक एक करके फेजेस को जानेंगे किस तरह से कौन से फेजेस के अंदर कौन सा डेवलपमेंट आया. और हमने जो अभी तक पढ़ा था उसी का ही एक कंसोलिडेशन करके हम लोग ये कॉलोनियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसके अंदर कुछ नया नहीं होगा, बट आपने जो हमने पुराने क्लासेस के अंदर जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट के अंदर पढ़ा, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आस्पेक्ट के अंदर पढ़ा, उसी का ही पूरा का पूरा एक अच्छा खासा पैकेज बना के रेडी होता है. फर्स्ट फेज इज नोन एज मर्केंटाइल फेज. 1715 से लेके 1813 तक का पूरा यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा. सो जनरली दिस फेज कमेंस विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स. 1757 से ही ये फेज की शुरुआत हो जाती है भारत के अंदर. और यहां से ही आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे राज करना शुरू करते हैं. अब आप देखिए कि फ्रॉम 1757 देयर ऑब्जेक्टिव वाज ओनली वन थिंग एंड दैट थिंग वाज मोनोपोली इन ट्रेड. जितना हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई करके डायरेक्ट प्लंडर कर देंगे, सीधी लूटपाट के तहत जो भी पैसा कमाएंगे उसके पीछे ही कंपनी फॉलो करेगी. अब आप देखिए कि 1757 से लेके 1813 के आसपास तक आते आते कंपनी का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन पूरी तरह से होता है. इफ यू नोटिस द वॉर्स यू विल रियलाइज कि अभी तो मराठास भी नहीं कब्जे में हुए थे. 1813 का टाइम था. सो बाय दिस टाइम व्हेन द कंपनी जिस तरह से यहाँ पे शासन कर रही थी अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट के दूरी संचार से ही पीछे, तो ये चीज देखने को मिलती है कि कंपनी ज्यादा मोनोपोलाइज करेगी. इट वॉन्टेड टू सिक्योर इट्स ट्रेडिंग एंड कमर्शियल इंटरेस्ट बाय फोकसिंग ऑन टू थिंग्स. और वो दो चीज थी, आपके जो यूरोपियन पावर्स से उनको एलिमिनेट कर दो और यहाँ पे जो नेटिव स्टेट्स थे उनको भी एलिमिनेट कर दो. अब आप देखिए कि यहाँ पे जो नेटिव स्टेट्स को एलिमिनेट किया गया था वो चाहे मैसूर स्टेट हो या आपके मराठास हो या इसके पहले के जो यूरोपियन पावर्स जो भी थोड़े बहुत बच गए थे, उन सब का खात्मा ये मर्केंटाइल फेज के तहत होता है. क्यों? क्योंकि कंपनी मर्चेंट कंपनी के तौर पर यहाँ पे आई थी. तो यहाँ पे जब आती है और यहाँ पे देखती है कि हमारी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को अफेक्ट कर रहा है, हमारे व्यापार को कोई असर कर रहा है, तो उनको पसंद नहीं आता. सो इसके कारण जो चीज जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है. साथो साथ दी कंपनी ऑल्सो स्ट्रेंथन द ट्रेड थ्रू चार्टर एंड राइट्स इश्यूड बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट. कंटिन्यूसली इनको चार्टर्स मिलते रहे हैं तो एक साइड पे कंपनी का पॉलिटिकल होल्ड ज्यादा मेंटेन रहेगा और साथों साथ अपने ट्रेडिंग को भी ये मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे. नाउ यू ट्राई टू सी कि ये ब्रिटिश कंक्वेस्ट हुआ उसको इकोनॉमिक आस्पेक्ट के साथ आप जोड़ोगे तो ये चीज आपको पता चलती है कि यूरोपियन पावर्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को मर्केंटाइल फेज के अंदर ही खत्म कर दिया गया था. व्हेन यू ट्राई टू सुपर इम्पोज द पॉलिटिकल कंक्वेस्ट विद द इकोनॉमिक कंक्वेस्ट तो आपको ये चीज जानने को मिलती है कि ये पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव थे वो सही तरह से कंपनी फॉलो कर रही है. लेटर ऑन द कंपनी क्रिएटेड बेस फॉर डायरेक्ट प्लंडर बाय वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज. और यहाँ पे ज्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं करेगी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर. दे विल मेक श्योर कि यहाँ पे हम लोग जितना जैसे सोशल आस्पेक्ट के अंदर देखा ना हमने, इन द सोशल आस्पेक्ट फ्रॉम टिल 1813 और टिल 1800s द कंपनी नेवर इंटरफियर इन टू द सोसाइटी ऑफ इंडिया. वॉरन हेस्टिंग्स क्या बोलता है कि दैट द इंडियन पीपल आर सपोज टू बी गवर्न बाय देयर ओन कस्टम्स. भारत के लोगों के ऊपर अगर आपको राज करना है तो उनके रीत रिवाजों के हिसाब से ही आप राज करो, ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस ना करो.
मुद्दा यही था कि यहाँ पे भी इनको डायरेक्टली जितना पैसा अर्न कर सके उतना पैसा अर्न कर रहे थे, साथों साथ अपना पॉलिटिकल बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और कंसोलिडेट करने के पीछे की पूरे की पूरी इनकी साजिश थी, और साजिश के तहत ही ये चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है आरपाल में दत्त के द्वारा। सो फर्स्ट फेज कमेंस्ड फ्रॉम 1757 और 1813 तक आते आते ये फेज यहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद सेकेंड फेज जो है, सेकेंड फेज को इंडस्ट्रियल फेज कहते हैं। एज ए नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रियल फेज का मतलब यह है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कहाँ होगी, इंडिया में कि इंग्लैंड में? इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बैकग्राउंड के अंदर हो रहा था। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन इंग्लैंड एंड एज अ रिजल्ट द कंपनी का जो अप्रोच था भारत के ऊपर राज करने के पीछे, उसके अंदर आपको विजिबल चेंज देखने को, उसके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही है इंग्लैंड के अंदर, एंड एज अ रिजल्ट अ डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल की पूरी नीड खड़ी हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर आप सीमित थे ना, कितने रिसोर्सेस लेके आओगे? रिसोर्सेस लाने के पीछे भी आपके पास जगह तो होनी चाहिए। इंग्लैंड इज एन आइलैंड कंट्री, तो जहां जहां कॉलोनीज हुआ करती थी, जहां जहां अपना थोड़ा बहुत पॉलिटिकल होल्ड था, वहां पे ये लोग पूरा का पूरा अड्डा जमाने की कोशिश करेंगे। एक तो रॉ मटेरियल की डिमांड आनी थी, डिमांड के साथ साथ दे ऑल्सो वॉन्टेड अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, एंड एज अ रिजल्ट यू सी कि 1813 से लेके 1860 के बीच में इंडिया की सोसाइटी के अंदर भी पूरा का पूरा चेंज देखने। सोशल चेंज इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू दिस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। Why the modern education was introduced during this phase only? Why the socio-cultural policies उसको अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छी तरह से पालन कराया जाता है, उसका अच्छी तरह से execution किया जा रहा है? Why this phase only? This phase was industrial revolution. England wanted a raw material. England wanted finished goods, market for finished goods. इनको market चाहिए तो हम लोग को सिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये खाया करो, ये मत खाया करो। You have to use these products. You have to use particular things. When the change in approach becomes visible, you see कि industrial revolution के कारण दो चीज हुई। एक तो आपको raw material चाहिए और आपको market चाहिए। तो दोनों के लिए इन्होंने भारतीय समाज के अंदर और भारत की जो system थी, India की जो political system थी, उसके अंदर change लाने की कोशिश की। Later on industrial revolution होगा तो आपको ये चीज समझ में आती है कि एक industrial capitalist का class का भी growth होगा। जैसे मैंने बताया ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नैनो का एग्जांपल देता रहता हूं मैं, यहाँ पे टाटा की जो कंपनी आई, तो लेटर ऑन सम पीपल स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स इन एंड अराउंड द नैनो प्लांट हियर इन सानन। क्यों? क्योंकि उसके पीछे स्टोरी यही थी कि कोई नट बोल्ट सप्लाई कर रहा था, कोई सीट सप्लाई कर रहा था, कोई टायर सप्लाई कर रहा था, कोई लाइट सप्लाई कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई सप्लाई कर रहा था। एज ए रिजल्ट जब और उन सबका ग्रोथ होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे उनका भी ग्रोथ हुआ, तो इंडिया के अंदर पर्टिकुलर गुजरात के अंदर या आपका अहमदाबाद या सानंद के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है कि एक नया क्लास उभर के आ रहा था। वो नया क्लास था इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, जो ये इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट था। सेम वे जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो वो रिवॉल्यूशन के तहत यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक नया क्लास उभर के आ रहा है जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। एक ऐसा पूरा औद्योगिक पूंजीवाद या औद्योगिक मूढ़ीवाद का जो एक पूरा का पूरा वर्ग था, मूढ़ीवादी वर्ग या पूंजीवादी वर्ग कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड था। अभी ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वाई ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी हैविंग मोनोपोली। ये चीज पता है ना आपको, फ्रॉम 1600 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप खाली एक ही कंपनी को परवाना दिया गया। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, चार पांच आपके और मेरे जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हो गए और सबने क्रिटिसाइज कर दिया कि व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी हैविंग ओनली मोनोपोली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद इंडिया एंड अदर पोर्शंस ऑफ ईस्ट साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप। हम क्या भाई, हमने कुछ गलती कर दी है क्या भाई साहब, आप हमको क्यों ट्रेडिंग राइट्स नहीं दे रहे हो? सो दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट कि यू हैव टू रिफॉर्म द लॉज, यू हैव टू ओपन अप द मार्केट। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड के अंदर होता है ना, वो दो चीज करेगा। वो एक साइड के ऊपर आपका इंडस्ट्रियल क्लास का जो ग्रोथ होगा उसको सपोर्ट करेगा, साथों साथ यहाँ पे जो आपकी जो लेबर जो आपके लॉस थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉस थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके,
उसको भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करेगा। साथों साथ यही लोग थे जो ब्रिटेन को पुश कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई आप मार्केट ओपन कर दो। ओपन करने के साथ साथ ये भी बोल रहे थे कि हमको रॉ मटेरियल्स के लिए और कुछ थोड़ी मदद कर सको तो आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया कि चलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि आप अच्छा पॉलिटिकल शासन अच्छी तरह से रूल करो। यू सी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब यहां पे होता है तो टू साइडेड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। द टू साइडेड अप्रोच वॉज द डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स। और साथों साथ यहां से जो एक नया क्लास उभर के आया जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। यहां पे ब्रिटेन की सरकार को जरूरत हो गई थी कि यहां पे रॉ मटेरियल्स, आपका जो पूरा का पूरा कच्चा माल है, उसकी किस तरह से आपके स्रोत मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसकी आपूर्ति कैसे कर पाओगे। साथों साथ यहां पे जो आपका पूरा का पूरा जो बाजार था, जो बन के आएगा इंग्लैंड के अंदर से, जो सामान बन के आएगा, जो पूरा का पूरा फिनिश प्रोडक्ट, उसको भी कैसे फुलफिल करोगे। दूसरे इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का जो क्लास था, दे शोड क्रिटिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दी ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली। बोले भाई साहब, इनको ही क्यों इतना पूरा का पूरा आपने शासन दिया हुआ है, एंड दे क्रिएटेड द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यू विल सी द चेंज इन अप्रोच इनटू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये चेंज इन अप्रोच आपको यहां पे देखने को मिलेगा चार्टर एक्ट ऑफ 18। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा ना अभी तक, दैट द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड। और उसके पीछे ये इंडस्ट्रियल फेज को लिंक किया जाता है आर पाल में दत्त के द्वारा। वो बताते हैं कि यार, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अंग्रेज सरकार को सपना नहीं आ गया था कि अबॉलिश कर दिया जाए। वो अबॉलिश इसके लिए कराया गया क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इसके कारण इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास का जो ग्रोथ होता है और वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है कि यू रिफॉर्म द लॉज। आज की तारीख में भी देखने को मिलता है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियल क्लास होगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। उनकी खुद की भी इंडिविजुअल बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बजट आएगा तो बजट के दौरान देल ऑल्सो डू द क्रिटिकल एनालिसिस जैसे हम करते रहते हैं। एग्जाम्स के पेपर के अंदर नहीं करते क्रिटिकल एनालिसिस ये वो फला फला। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द फ्री ट्रेड एंड देन एफर्ट वॉज मेड टूवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ह्यूज मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसके लिए ही इसको इंडस्ट्रियल फेज बोला जाता है एंड दिस थिंग वॉज आइडेंटिफाइड। बोले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया तो आया, हवा में से नहीं आया। वो आया है ये पूरे के पूरे ट्रेंड के तहत, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। सो व्हेन एफर्ट वॉज मेड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ह्यूज मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, तो यहां पे ये फ्री ट्रेड आया। फ्री ट्रेड ने क्या किया कि इंडिया की इकोनॉमी को जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी ना उसके साथ लिंक कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया का जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था ना वो और बढ़ जाता। विल सी इन कोर्स ऑफ टाइम के किस तरह से, जब डेलाउजी आएगा आज के क्लास के अंदर, जब गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर, तो यही जानने को मिलता है। लेटर ऑन यहां से ही ये फ्री ट्रेड को प्रपोज करने के लिए, ये जो मार्केट और डिमांड को पूरा का पूरा, जो सप्लाई पूरा का पूरा होना चाहिए, यहां पे एक कॉलोनियल का एक नया अप्रोच देखने को मिलेगा। वो था एक नई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेवलप करो, सिस्टम डेवलप करो। और वो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका फ्री ट्रेड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना। यू सी ऑल द एक्ट्स व्हिच वर पास्ड बिटवीन 1813 टू 1860s और व्हाटसोएवर सोशल रिफॉर्म्स व्हिच वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स वर जस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री ट्रेड और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वो एक ही अप्रोच था, ये जितने भी कानून बनाए गए या इन्होंने जो भी सोसाइटी के अंदर जो परिवर्तन लाने की कोशिश की है, वो परिवर्तन के पीछे आपको यही अप्रोच देखने को मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी द चेंज इन जुडिशियल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट टाइम यू विल सी कि इनको जरूरत हो गई थी कि इंडिया के सोसाइटी के स्ट्रक्चर को एक कैपिटलिस्ट और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर के नीड के अनुरूप आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, यहां पे डिमांड ही नहीं खड़ी हो रही है तो क्या करोगे? तो डिमांड खड़ी करने के पीछे इन्होंने क्या किया, यहां पे मॉडर्न एजुकेशन लगा दिया। बोले यहां पे सिखाओ इनको, इनको पढ़ाओ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सोशली हमारी सोसाइटी को चेंज किया गया। ऑल दिस थिंग्स वॉज विजिबल इन टू दी होल पॉलिटिकल अप्रोच। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों को ये चीज को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो रहा था। सो एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर लिंक्ड अप। आपको समझ में आ रहा है, वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी कंसेप्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल स्केल कि यहां पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स और जो नई आर्थिक आपकी जो नई जो शैक्षणिक नीति आई, वो शैक्षणिक नीति का भी अंदर अंदर पूरा का पूरा यहां पे लिंकिंग था। वो लिंकिंग यही था कि ये बढ़ेगा
तो ही इसको पहले बढ़ाओ, इसको डेवलप कर दो एजुकेशन को, तो ही आपके ट्रेड एंड कॉमर्स को ज्यादा इम्पेटस मिलेगा। आपको सिखाया जाता है कि यू दिस इज रूल ऑफ लॉ, इसको तोड़ोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे, तो वो एजुकेशन के तहत ही सिखाया गया। सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंडियंस के द्वारा हो जाए, वरना बात बात के ऊपर हम लोग विद्रॉ कर देते या रिवॉल्ट कर देते, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेटर ऑन दिस एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो क्रिएटेड द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यू सी कि इंडिया के अंदर रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, पोस्ट आया, वो सब खाली हमारे वेलफेयर के लिए थोड़ी आया था। दिस वॉज डन टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। When anyone says कि भाई the Britishers bought railway to India, the railway's objective was just to exploit the people and resources of India. वो तो हम लोग थे कि हम लोग यहाँ से बम्बई से मद्रास और मद्रास से दिल्ली जाने लग गए रेलवे का सहारा लेके, और कांग्रेस के सेशन होने लग गए, अच्छा हुआ हो। पर वो तो बाद में होता है, पहला तो ओरिजिन तो यही था। ओके, सो इम्पोर्टेंट किस तरह से जो इंडस्ट्रियल फेस था, और यहाँ पे आपका रेलवे देखिए ना, सब 1854 से लेके 1850 से लेके 1860 के बीच में डेवलप हो गया। इट वॉज जस्ट मेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल फेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको और पैसा चाहिए था, और अपना रूल ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका था इनका, सो दे वर लुकिंग फॉर ग्रीन अप पैस्चर्स विद रिस्पेक्ट टू मनी। इसके कारण ही यहाँ पे आर्थिक आपकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट होती है। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी मच फ्लॉड। टेलीग्राफ, पोस्ट, रेलवे, एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स वॉज डेवलप बिटवीन 1813 एंड 1860। आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक। हम रेलवे के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे एनालिटिकल वे के अंदर, कि वॉट वर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि चर्चा में आता रहता है। द थर्ड फेज फ्रॉम 1860 इट स्टार्टेड इज नोन एज फाइनेंशियल फेज, जो आज की तारीख में भी आप देखते रहते हो कि यहाँ पे सरकार बोलती है कि कम मेक इन इंडिया बोलते है ना यहाँ पे। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज हैड ओनली वन ऑब्जेक्टिव, कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने पहले एक बेस बना दिया, जैसे रेलवे थी तो रेलवे के अंदर बेस बना दिया। इसके बाद प्राइवेट कंपनीज को बोल दिया जाता था कि यू शुड ट्राई एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, इसके लिए इसको फाइनेंशियल फेज। सो द गवर्नमेंट वॉज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग फॉरेन कैपिटल इन रेलवे, इन लोन एंड डेप्ट टू गवर्नमेंट। आप दूसरी कहीं कहीं से आपको और किसी को उधार चाहिए तो वो दे देगी। प्लांटेशन सेक्टर के अंदर, जूट मिल सेक्टर के अंदर, इसके साथ साथ कोल माइनिंग सेक्टर के अंदर। यू सी रेलवे एंड कोल माइनिंग सेक्टर आर इंटर रिलेटेड। रेलवे ऐसी एरियाज के अंदर डेवलप की गई जहां पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी मात्रा के अंदर मिल जाते थे। इफ दे वॉन्टेड टू डेवलप रेलवे तो अच्छी एरिया के अंदर डायरेक्ट लिंकेज कर देते, बुलेट ट्रेन जैसा कुछ बना देते, चलो आया नहीं था उस टाइम के अंदर, बट स्टिल अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते, वो भी नहीं कर पाते हैं। 1910 तक तो हमारी जो पटरी थी रेलवे की, वो भी आप इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहे थे। बाय दैट टाइम आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी कि आप इंडिया के अंदर उसको बनाओ, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, साथों साथ आपकी डिपेंडेंसी इंग्लैंड के ऊपर नहीं रहेगी। ओके, तो कंटिन्यूअसली शिपिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, टी प्लांटेशन, जूट मिल, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के अंदर सरकार खाली अपना फॉरेन कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ाना चाहिए। रेलवे यूज टू बी अ प्राइवेटाइज बॉडी, इंक्लूडिंग द टी प्लांटेशन, जूट मिल, कोल माइनिंग, शिपिंग, जितने भी सेक्टर्स थे वहां पे ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आराम से आप इनकमिंग एंड आउटकमिंग उसका अलाउ रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट पॉलिसीज थी। आज की तारीख में रेलवे तो हमने नेशनलाइज कर दिया है, अंग्रेजों ने नहीं किया था। दे वॉन्टेड टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द फॉरेन कैपिटल। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जला देता था, तोड़ देता था, एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड डूइंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे बाय प्रोटेक्टिंग द फॉरेन कैपिटल, बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यू सी कि इन्होंने यहाँ पे नई नई टेक्निक्स, एक्ट्स एंड पॉलिसीज लाए। ये फाइनेंशियल फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ब्रिटिश फाइनेंस को जो पैसा आ रहा था इंग्लैंड के अंदर, इसी के दौरान इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज लाई, और वो पॉलिसीज के दौरान इन्होंने पैसे कमाए, पैसे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग किया और हमारे ऊपर राज किया। सिंपल प्रोसेस था, बाय दिस टाइम दे स्टार्टेड कर्बिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। 1860 के बाद आपको मैंने बताया कि सोशल रिफॉर्म्स अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुए थे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वॉज दिस ओनली, बिकॉज दे न्यू कि अभी ये मॉडर्न आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाले जो भी जितने भी आइडियाज है वो ज्यादा और डेवलप हो जाएंगे, तो दे विल सी कि ये जो पैसा आ रहा है वो बहुत ही लोपसाइडेड आ रहा है और वो हमारे शोषण के लिए आ रहा है। एंड एज अ रिजल्ट
ये पूरे के पूरे फेस को 1940s या 1947 तक पूरा का पूरा चलता है, बट कोई भी मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस की तरफ अंग्रेजों ने ध्यान नहीं किया। 1813 से लेके 1860 तक इन्होंने मॉडर्नाइज कराने की कोशिश की इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल फेज के अंदर नहीं किया। ओके, सो तीन फेज थे 1757 से लेके 1947 तक, पूरा का पूरा आपका करीबन 200 साल तक चलता है, ऑलमोस्ट 190 years। एंड विद इन द स्पैन ऑफ 190 years किस तरह से उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण भारत के अंदर अपना अड्डा जमाता है, उसी का ही स्टडी आर पाल में दत्त ने किया था, और मेंस के अंदर कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसके बाद वाला हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं आज अभी वो है गवर्नर जनरल्स।